अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से ही होंगे। चलो आज बनाते हैं माश की दाल के वड़े। मैंने माश की दाल भिगा लिया है ऑलरेडी, सैर में ही भिगा कर रखा था मैंने पानी में डालकर, क्योंकि अच्छे से भीग जाएगी। देखिए इस तरह से अच्छे से नरम होना चाहिए। और मैंने इधर चटनी पीसने के लिए इधर इमली भी भिगा दी थी, और यहाँ पर मैंने फली भी भून कर रख लिया है छिट्टा निकालने के लिए। और इधर हम लोग पीस रहे हैं माश की दाल। अच्छा से पीस ले माश की दाल को, अच्छा नरम और चिकट अच्छे से होना चाहिए माश की दाल, क्योंकि थोड़ा भी दाना दाना नहीं दिखना चाहिए दाल में। अगर दाना दिखा तो खाने में आया तो टेस्ट अच्छा नहीं दिखेगा इसका। मैंने आटा देके रेडी कर लिया है, इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है इसमें मैंने, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको जितना लगा उतना डाल दिया। आप लोगों को लग रहा है अदरक लहसुन का पानी है, हाँ मैंने थोड़ा पानी मिला कर डाला है, क्योंकि थोड़ा दाना दाना ऐसा नहीं दिखता है। अदरक लहसुन इसमें डालना ना तो स्मेल आती। और मैंने इसमें थोड़ी सी कोथमीर डाली है और थोड़ा सा खाते सोडा डाला है। और इसे अच्छे से फेंट लें। इसे मेरे एक हाथ में मोबाइल था, एक हाथ में चम्मच था, जिसे मैं मिलाना ही नहीं आ रहा था मेरे को, इसलिए मैंने एक साइड में एक डब्बे पे रख दिया था फ़ोन। इसलिए आप लोगों को आधी वीडियो दिख रही है, फुल वीडियो नहीं दिख रही है, सॉरी इसके लिए। मैं फुल वीडियो नहीं बता सकती, लेकिन आप लोग मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मिक्स करके साइड में रख दीजिए इसे। और लास्ट में थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मैदा डालिए। मैदा डालना ज़रूरी है, क्योंकि मैदा डाले तो ही भजिया अच्छे बनते हैं आपके इसमें, नहीं तो नहीं। देखिए यहाँ पे मेरी चटनी भी रेडी हो गई, मैंने चटनी रेडी कर लिया है, और मेरा आटा भी बन गया रेडी, और यहाँ पर मेरा तेल भी गर्म हो गया है। चलो थोड़ा सा इसमें वड़ा डाल कर देखते हैं। देखिए कितना जल्दी ऊपर आ गया है, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तेल ऊपर आ गया है देखिए। और थोड़ा सा हाथ गीला कर लें और आटा लें हाथ को, आटा लेकर डालिए। देखिए कितने अच्छे से और सॉफ्ट और स्मूथ और बहुत यम्मी बनते हैं भजी। आप लोग भी ट्राई करें, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी डिश है, आप लोग भी ट्राई करें, खाने में तो बहुत टेस्टी है ये। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट ऊपर ऐसे एकदम से फूल कर ऊपर आ रहे हैं खुद ब खुद। देखिए कितने, अगर मैं पलटा रहा इस टाइम पे एकदम से सॉफ्ट जब मालूम हो रहा है ये है, आप लोग को दिख रहा होगा कितना टेस्टी और अच्छे यम्मी। देखिए कितने नरम नरम हो गए हैं। ये देखिए हमारे भजी रेडी हो गए हैं, मोड़े पूरे हमारे। आप लोग भी ट्राई करें, वीडियो को पसंद लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।